रवि बिश्नोई एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जिसमें क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, किसी भी खेल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। रवि बिश्नोई के ज़्यादातर रिश्तेदारों के बच्चे इंजीनियरिंग से लेकर डॉक्टरी में अपना इंटरेस्ट रख रहे थे। ऐसे में रवि बिश्नोई के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा भी इंजीनियर डॉक्टर बने, लेकिन रवि बिश्नोई की किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक वक्त ऐसा आया, रवि बिश्नोई के पिता ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपने बेटे का क्रिकेट खेलना छुड़ा दिया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं तुमको क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा। लेकिन ये रवि बिश्नोई का जज्बा ही था कि सब कुछ उनके विपरीत होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता को मनाया और क्रिकेट खेले और अंत में डोमेस्टिक नेशनल लेवल पे अपना जलवा बिखेरा। और उस जलवा बिखेरने की बदौलत उनको किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल की नीलामी में 2 करोड़ रुपए में खरीदा और वो अंडर 19 टीम के साथ भी साउथ अफ्रीका में है। और आज उन्होंने जापान के खिलाफ सिर्फ 5 रन देकर 4 विकेट भी लिए और जापान की टीम को 41 रन पर ऑल आउट कर दिया। रवि बिश्नोई का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा और उनको यूं ही सीधा आईपीएल में नहीं पिक किया गया। इससे पहले उन्होंने बहुत संघर्ष किया। रवि बिश्नोई को जब 2 करोड़ रुपए में अनिल कुंबले ने भरोसा जताया और उनके लिए लगातार बोलियां लगाई तो सब सोच रहे थे कि आखिर यह है कौन। लेकिन जब उन्होंने आज जापान के खिलाफ बॉलिंग की तो सबको पता चल गया कि वाकई में यह आने वाले वक्त में बड़ा नाम बनेगा। जब आज लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में लेग स्पिनर्स की डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में रवि बिश्नोई को एक काफ़ी चतुर लेग स्पिनर बताया जा रहा है और ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि अपनी गूगली का इस्तेमाल बिल्कुल राशिद खान की तरह करते हैं और इनकी गुगली राशिद खान की तरह पढ़कर तेज निकलती है जिससे अच्छे अच्छे बल्लेबाज को खेलने में तकलीफ होती है। खैर वो तो पता चलेगा जब ये आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए डेब्यू करेंगे। लेकिन यकीनन रवि बिश्नोई का जो संघर्ष रहा वो अपने आप में किसी गाथा से कम नहीं, अपने आप में किसी मोटिवेशन से कम नहीं। जब आप किसी एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हो जो लोअर मिडिल क्लास और वहाँ पर आपके खेल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, आपके सपनों को छोटा सपना समझा जाता है और तब भी आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो यकीनन रवि बिश्नोई के लिए एक प्रेस तो बनता है और उनके लिए जितनी तालियां बजाई जाएं उतनी कम। हम उम्मीद करते हैं कि रवि बिश्नोई ना सिर्फ अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते बल्कि आने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के अपना सर्वश्रेष्ठ गेम खेलें और जो अनिल कुंबले ने उन पर भरोसा जताया उस पर भी पूरे खरे उतरे। और रवि बिश्नोई के लिए अनिल कुंबले से अच्छा मेंटर कोई हो ही नहीं सकता और वो बिल्कुल सही टीम में गए हैं आईपीएल में पिक होगा, क्योंकि वहां पे जो कोच होगा उनका वो एक इंडिया के लीजेंडरी लेग स्पिनर, दुनिया के लीजेंडरी लेग स्पिनर, और अनिल कुंबले से वो जितना कुछ सीखेंगे उतना ही कम होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।